दो मिनट की बात क्रिप्टो कानून के साथ में आपका स्वागत है। दुनिया भर के जितने भी बैंक्स हैं वो क्रिप्टो एसेट्स को, क्रिप्टो करेंसीज को संजीवनी बूटी या एक वरदान के रूप में देख रहे हैं। कैसे? अगर आप देखो, रिसेंटली हमने यूएस के अंदर ये खबर आई थी कि जो वहां का बैंकिंग रेगुलेटर है उसने जितने भी अपने जो नेशनल बैंक्स हैं उनको अलाउ कर दिया कि वो कस्टोडियल सर्विसेज, क्रिप्टो कस्टोडियल सर्विसेज वो शुरू कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं। यही चीज हमने जर्मनी के अंदर भी देखी थी कि जर्मनी के अंदर जो वहां के बैंक्स हैं, 40 से ऊपर बैंक्स हैं, उन्होंने वहां के रेगुलेटर को अप्लाई किया कि लाइसेंस के लिए, कि उन्हें लाइसेंस दिया जाए, वो क्रिप्टो कस्टोडियल सर्विसेज देना चाहते हैं अपने क्लाइंट्स को। क्रिप्टो कस्टोडियल सर्विसेज तक तो समझ में आ रहा था, लेकिन हद तो तब पार हो गई है कि स्विट्जरलैंड के अंदर वहां का जो आठवां सबसे बड़ा बैंक है जिसका नाम है बैचलर कंटोनल बैंक और करीब 50 बिलियन यूएस डॉलर का वो एसेट देखता है, उसने ये अनाउंसमेंट करी कि वो क्रिप्टो कस्टोडियल सर्विसेज के साथ साथ क्रिप्टो ट्रेडिंग सर्विसेज भी शुरू करेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्रिप्टो ट्रेडिंग सर्विसेज भी शुरू कर रहा है स्विट्जरलैंड का आठवां सबसे बड़ा बैंक। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि बैंकिंग इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री जिसको अगर अभी वो जल्दी अडॉप्ट कर ले तो यहां से अर्निंग शुरू हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मैं आपको बताऊं तो S&P रेटिंग्स, एक बहुत बड़ी एजेंसी है जो रेटिंग्स देती है, उसने ये प्रेडिक्ट किया है कि एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर, जिसके अंदर इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जापान और करीब ऐसे 38 से 40 देश आते हैं, इनके जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं इन सारे देशों के, उनकी जो अर्निंग्स है वो बताई है कि इनकी COVID-19 में अर्निंग्स गिरी हैं और लॉसेज हुए हैं और आगे भी ये लॉसेज बढ़ेंगे। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि 60 बैंक एशिया पैसिफिक रीजन के वो लॉसेज में प्रेडिक्शन आई है और इनकी नेगेटिव रेटिंग्स इनको मिली है। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग को ये लग रहा है कि जिस तरीके से डिफॉल्ट हो रहा है लोन्स के ऊपर, जिस तरीके से लोग ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़ के गोल्ड और सिल्वर और बिटकॉइन की तरफ भाग रहे हैं, तो क्यों ना ये एक अपॉर्चुनिटी उनके लिए भी कि क्रिप्टो एसेट्स को जल्दी अपनाए और अर्निंग्स बढ़ाए। तो कहीं ना कहीं संजीवनी बूटी का काम कर रहा है डिजिटल एसेट्स। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।